नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय होगा कि हम जब सीडलिंग्स लगाते हैं तो उसे हमें किस टेम्परेचर में, किस मौसम में, कहाँ पर रखना चाहिए, उसे कितनी धूप देनी चाहिए और कितने छांव में उसे ग्रो करना चाहिए। तो इसकी विस्तृत जानकारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आपको उसका लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो आपके गार्डनिंग के लिए, आपके सीडलिंग्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम सीडलिंग्स की जर्मिनेशन की। तो पहले मैं आपको बताऊं कि आप सीडलिंग्स दो तरह से ग्रो कर सकते हो। एक, डायरेक्ट आप उस पॉट में या कंटेनर में सीडलिंग्स लगाओ जिसमें कि आपको पौधों को ट्रांसप्लांट करना है, और दूसरा कि हम इस प्रकार सीडलिंग ट्रे या फिर प्लास्टिक पॉट्स की मदद से सीडलिंग्स उगाएँ और फिर इन्हें ट्रांसप्लांट करें। अब मैं आपको दोनों के बारे में बता दूं कि क्या दोनों में अंतर क्या है। जब हम डायरेक्ट बड़े पॉट में या कंटेनर में सीडलिंग्स लगाते हैं तो जर्मिनेशन तो एक जैसी ही होती है, चाहे हम इसमें जर्मिनेट करें या फिर उस पॉट में। पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मौसम सही नहीं रहा तो हम बड़े बड़े पॉट्स शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। एक जगह हमने उसे रख दिया है, फिर वो वहीं रहता है और हमने सीडलिंग्स लगा दी है, तो मौसम के हिसाब से हम उसको इधर उधर हटा नहीं सकते। तो बारिश में अगर बारिश हो गई तो हमारे सीड्स गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और अगर बहुत तेज़ धूप हो रही है और उसे मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है तो वो सीड, अंकुरण तो निकलेगा लेकिन वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए प्रेफर करते हैं हम सीडलिंग ट्रे या पॉट्स में कि हम पहले सीडलिंग्स लगाएँ, उन्हें पौध बनाएँ, उसके बाद फिर उसे ट्रांसप्लांट करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारे सीडलिंग्स के लिए, पौधों के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर और डार्कनेस, और इन सब के अलावा मीडियम जिसमें कि हम सीडलिंग्स ग्रो करते हैं। तो मीडियम सीडलिंग्स ग्रो कैसे करें, इसके लिए हमें चाहिए 50% वर्मी कम्पोस्ट, 50% कोकोपीट, और उसमें हम थोड़ी बहुत नीम खली पाउडर डाल देते हैं जिससे कि हमारी सीड्स फंगस से बचे रहें। तो ये हो गई बात मीडियम की कि हम किस मीडियम में अपनी सीडलिंग्स को जर्मिनेट करें। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं कि हमारी सीडलिंग्स को ग्रो होने के लिए चाहिए जो ज़रूरी चीज़ें, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल मॉइस्चर और डार्कनेस। जब हम सीड्स लगाते हैं तो स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में हमारे सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए डार्कनेस चाहिए होती है, मतलब कि अंधेरा चाहिए होता है, छाया चाहिए होता है जिसमें हमारे सीड्स जर्मिनेट होते हैं। दूसरा, हमारे सीड्स को जर्मिनेशन के लिए जिस सॉइल में हम लगा रहे हैं उसमें मॉइस्चर उस सीड के ना तो ज़्यादा चाहिए होता है ना कम चाहिए होता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सीड्स गल के ख़राब हो जाएंगे, और अगर कम हो जाएगा तो उसमें अंकुरण जो निकल रहे होंगे, जैसे देखिए ये अंकुरण निकल रहा है, तो ये अगर मॉइस्चर नहीं होगा इसमें तो ये अंकुरण यहाँ से जल जाएगा निकल के बाहर और ख़राब हो जाएगा। तो मॉइस्चर का लेवल भी हमें सीड के हिसाब से नॉर्मल चाहिए। और तीसरी चीज़, टेम्परेचर। टेम्परेचर दोस्तों अगर ज़्यादा होगा तो वही बात, फिर से सीड हमारी ख़राब हो जाएगी, और अगर कम होगा तो सीड्स जर्मिनेट नहीं होगी, या जर्मिनेट होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसके लिए, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए पहली चीज़ें हमें ये ध्यान रखनी है कि कौन सी सीड्स को कब ग्रो करना है। ये इसके बारे में वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, हमने अपलोड किया है कि फरवरी मार्च में जो सीड जब के ग्रो होती हैं जिस टेम्परेचर में, उन्हें उसी टेम्परेचर में उसी टाइम पे ग्रो करना चाहिए, ना कि हमें फरवरी मार्च की वेजिटेबल्स की सीड्स को हम आके मई जून में ग्रो करें, वो बिल्कुल ग्रो नहीं होंगी, और ग्रो होंगी भी तो फिर वो आपको किसी फायदे में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मेन चीज़ होती है कि जब हम सीडलिंग्स लगाते हैं तो इसे हमें स्टार्टिंग फेज में करीब एक हफ्ते तक सेडेड एरिया में रखना चाहिए जहां आपकी डायरेक्ट धूप ना जाती हो। तो जब हमारे सीड्स सेडेड एरिया में इस प्रकार जर्मिनेट हो जाते हैं
आप देख सकते हैं। तो जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं और इनके एक दो ट्रू लीव्स आ जाते हैं तो इसे फिर धूप में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इनकी जर्मिनेशन के बाद, इनमें ट्रू लीव्स आ जाने के बाद अगर हम इसे धूप में नहीं रखेंगे तो जो पौधों में क्लोरोफिल होता है, पौधे धूप से अपना खाना बनाते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। तो पौधे धूप को ढूंढते हुए सनलाइट को, ये देखिए इस प्रकार, ये हमारे पौधे, कुछ मेरे पौधे थे भिंडी के, इन्हें मैं धूप में रखना भूल गया था। तो ये बड़े निकलने के बाद इनकी स्टेम देखिए आप कितनी लंबी हो गई, ये सनलाइट ढूंढते हुए उसी की तरफ झुक जाते हैं जिधर से हल्की रोशनी आ रही होती है, झुक जाते हैं और स्टेम इतनी लंबी हो जाती है कि ये पौधे फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें अपने पौधों को जर्मिनेशन के एक हफ्ते बाद, यानी कि एक आध ट्रू लीव्स आ जाएँ, तो धूप में भी रखना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों आप अपने सीडलिंग्स का केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आप अच्छी जर्मिनेशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स कि हमें कौन सी पॉट में किस पौधे को लगाना चाहिए। जैसे कि ये हमारा 2 इंच का सीडलिंग ट्रे है, इसमें आप भिंडी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, ये सारे पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा देखिए 4 इंच का प्लास्टिक पॉट है, इसमें आप लगाइए, इसमें भी आप भिंडी या फिर लौकी, ये नेनुआ, घिया, ये पौधे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेनुआ, घिया, लौकी लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लगाइए। और ये रहा हमारा सबसे बड़ा 5 इंच का, 6 इंच का पॉट, इसमें आप कद्दू, बीन्स, लोबिया, ये सारी पौधे लगा सकते हैं जो कि अच्छी जर्मिनेट होंगी। इसमें हम मीडिया सॉइल जो रखते हैं वो काफ़ी रिच रखते हैं और तो वो पौधे हमारे अच्छे जर्मिनेट करते हैं। और ये रहा हमारा बड़ा पॉट जिसमें कि हम टमाटर के, मिर्च के, बैंगन के, ऐसे सीड्स जर्मिनेट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।